169 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। वर्गमूल यानी अंडरूट। देखिए बिल्कुल आसान है, हमें सर्वप्रथम इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का क्या मतलब है? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, आगे 11, 13, 17, 19, ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। सर्वप्रथम हमने 2 से चेक किया, नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, लेकिन 13 का इसमें भाग जा रहा है। देखिए 169 में हम 13 का भाग देते हैं, भाग गया 1 बार और 3 बार। फिर हमने 13 में 13 का भाग दिया, भाग गया 1 बार, तो 169 के गुणनखंड क्या आ गए? 13 गुणा 13। हमें क्या चाहिए इसका वर्गमूल? बिल्कुल सिंपल है, दो समान संख्या का जोड़ा 1 बार यहाँ लिखना है, ये आपका वर्गमूल का मान आ गया। ओके, आसान है। इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें सुरेंद्र खिलेरी।